Hi guys, it's Mama Panda here. Today we are making cucumber salad. Cucumber salad is a simple, refreshing salad. This salad is used as a side for Indian curries, dal, dips, chips, wraps, burgers, and a summer barbecue side salad. Let's start our recipe. Cucumber salad banane ke liye jo ingredients chahiye hain, wo ye hain. Hame chahiye hai 1 big tomato. जिसे मैंने चॉप कर लिया है और देख सकते हैं आप कि इसमें सीड्स भी हैं। 1 small carrot, 1 cup आइसबर्ग लेटस, आपके पास आइसबर्ग लेटस नहीं हो तो जो भी सैलेड हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। 3 मैंने इसमें ये रेडिश ली है, यानी ये मूली है, हमारे यहाँ ये लोकल ऐसे मिलती है, ये स्वीट होती है, और अगर आपके पास ये ना हो तो आपके पास जो भी नॉर्मल वाली होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 cup मैंने इसमें क्यूकम्बर लिया है, ये एक मीडियम साइज क्यूकम्बर है, मैंने विथ स्किन के साथ लिया है, आपकी मर्जी है, अगर आपको स्किन नहीं पसंद हो तो आप उतार सकते हैं इसको। 2 tablespoon फ्रेश कोरिएंडर चॉप, हमें चाहिए होगा 1 tablespoon फ्रेश लेमन जूस, मैंने जो है 1 big onion लिया है जिसे मैंने जो है थिन स्लाइस में कट किया है और इसे तकरीबन 1 घंटा मैंने गरम जो नल का गरम पानी होता है उसमें भिगो के रखा था ताकि इसकी जो तेज़ी है, शार्पनेस है, वो कम हो जाए। और थोड़ी सी जो है हम इसमें जो है ग्रीन चिलीस मैं डालनी है, उसमें मैंने बड़ी वाली हाफ डाली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और कोई और से भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट हमें चाहिए इसमें 1/4 teaspoon और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, चाट मसाला 1 teaspoon और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 1/2 teaspoon फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें जो है हम सब वेजिटेबल डालना शुरू करेंगे, आइसबर्ग लेटस डालेंगे सबसे पहले, इसमें कैरेट डालेंगे, उस डालेंगे रेडिश मूली डालेंगे, क्यूकम्बर डालेंगे, अनियन डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर 2 tablespoon है, ये बहुत माइल्ड है, 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon चाट मसाला और फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, फ्रेश लेमन जूस। अब हम इस सबको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे लाइक दिस। अब हमारी सैलेड जो है वो रेडी है, मगर मैं इसको सर्व करूँगी पापड़ के साथ, मगर मैं पापड़ जो है हेल्दी वर्जन बताऊँगी कि कैसे बनाएंगे। तो सिंपली मैं प्लेन पापड़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ, मगर मैं इसे बजाय ऑयल में बनाने के मैं विदाउट ऑयल माइक्रोवेव में आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे हेल्दी पापड़। और ये ब्रांड और ये पापड़ ईज़िली जो है आपको जो है कोल से मिल जाते हैं। हेल्दी पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पापड़ लेंगे, उसे हम एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट लेंगे और इसे माइक्रोवेव में रखेंगे और इसे मैं जो है बंद करके हाई टेम्परेचर पे 30 सेकेंड करूँगी तो ये मेरा पापड़ बन जाएगा। मगर एवरी माइक्रोवेव इज़ डिफरेंट, तो आप अपने माइक्रोवेव के मुताबिक बनाएं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकेंड में ये पापड़ बन गया, नाउ इज रेडी टू सर्व। मैंने इसको सर्व किया है पापड़ के साथ पेपरडम और मेरी फेवरेट स्वीट चिली सॉस।